सभी को सादर अभिवादन। उपचारात्मक शिक्षा प्रशिक्षण का संदर्भ दाता हो लाल दिवाकर, मुझे जो टॉपिक मिला है प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और प्रेमचंद जी, तो इस पर मेरी रचना। छप्पन मिश्र पचहत्तर दास, अस्सी चंद्रमही के पास, चौरासी शुक्ला साहित्यकार, नवासी शंकर सुंघनी परिवार। अर्थात इन लोगों का जन्म 1856 में, 1875 में, 1880 में, 1884 में और 1889 में हुआ था। अब इसी प्रकार आप लोग भी रचना या रचनाकार से संबंधित जो पत्र मिला है उसी पर अपना परिचय देते हुए वक्तव्य देना है। 1926 ईस्वी में उनकी सारी शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से ही हुई थी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया मुझे यही धर्मगुरु भारती जी की मिला है पाठ, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी इसमें, जब उन्होंने एक पुस्तक खरीदी तो उनके पास 2 रुपए थे, 10 आने की पुस्तक खरीद करके माँ को दे दिया, तो इस बात में बच्चों के प्रति जो है बहुत अच्छा जो है बस की यात्रा मुझे प्रसाद जी के बारे में बोलने को मिला है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और कहानी चंद्र देवदास जी। ये जो कविता है कक्षा 7 की पहली ही कविता है, इसके लेखक है और मुझे टॉपिक मिला है बहता पानी निर्मला, जिसे हीरा रंग सुचितानंद नंदी जी ने लिखा है। और इसमें उनको यात्रा करने का बहुत शौक था, तो उन्होंने यात्रा के 2 तरीके क्योंकि मुझे टॉपिक मिला है सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1482 हुआ था और ये ब्रज भाषा में अपनी कृतियाँ लिखा करते थे। ये सुनाई हुआ प्रयागराज जिलों में। और मुझे टॉपिक मिला है बाल लीला, उस भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बाल लीला। इसको सूरदास जी करने सारे मंजरी में इनको ब्रज भाषा में इसका वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण की। कैसा होगा सर, इस कविता को सत्य चौहान जी ने लिखा है और इसमें कविता में ये बताया है कि जो मतलब अपना सर्वस्व सबको त्याग करके देश की सेवा के लिए मिले हुए वीर हैं, उनका वर्णन बोला। और 1904 में नासिर दिन हुआ था, इन्होंने कविता लिखा है वीरों का कैसा हो फसल। इनकी कविताएँ जितनी भी लिखी गई वो सब वीर रस भरी हुई। अपने एक दिन से आए नए जवानी थी, सुन दे अधूरों की हमने इतनी कहानी थी, खूब मरी खूब लड़ी पर जाने और कुछ हासिल वाले जाने। मुझे टॉपिक मिला है रामधारी सिंह, ये हमारे बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1908 में मुंगेर जिला के सिमरिया ग्राम में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया ग्राम में हुआ था। रश्मिरल है और कुरुक्षेत्र आदि उनकी प्रख्यात। ये टॉपिक मिला है कलम आज उनकी जय हो, ये रामधारी सिंह जेवकर जी की कविता है जो कि देश पर न्यौछावर होने वाले वीरों के विषय में है। और इसे सुमित्रा नंदन पर 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कौसानी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर था। ये प्रसिद्ध के शुक्रवार कवि माने जाते हैं। दो सौ से ज्यादा
बहुत अच्छा टॉपिक मिला रामचरित मानस। अब इसमें हिंदू को है पूरा दिन भर मैं इसको सुना सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे बात को सुना दे रहे हैं। कभी भी सलाहकार कोई बुद्धिमान व्यक्ति को ही बनाए, ऐसे लोगों को ना बनाए जिससे बहुत नुकसान हो। एक दासी को सलाहकार बनाए कैकेयी ने, जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। नमक टॉपिक मिला है, ये सीधे मनुष्य के जीवन मूल्यों को निर्धारित करता है, उनके जीवन को सुनिश्चित करता है कि वो कैसे विकास के पथ पर अग्रसर होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताना, गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ अपने पुत्र के प्रति क्या ख्याल रखते हैं? सूरती है, नारती है, नागती है, यह हम सब को आपको क्या मिला था? हाँ बताएं। भाषा उन्नति है, भाषा से मूल आधार है, भाषा की। थैंक यू सर। मेरा टॉपिक आज की थी, ये सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी है। इसमें बाबा भारती और घोड़े और एक डाकू की प्रति कहानी में रचा गया है, जिसमें बाबा भारती हार कर जीत गए। थैंक यू सर। विद्यालय कलेजा मांडा से ये हरिवंश राय बच्चन का टॉपिक मिला है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में, महादेव वर्मा ये एक कवित्री थी और मायावादी युग के स्तंभ मानी जाती थी। झांसी की रानी, झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी हुआ था। बचपन में इसका नाम मणिकर्णिका था, प्यार से ये मनु कहते थे। मुझे टापू मिला, इंद्रा नाम जी के बारे में।